वेलकम, स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रेंच के बारे में, मतलब ओशन में समुद्र के अंदर सबसे बड़ी खाई कौन सी है, दैट इज नथिंग बट मैरियाना ट्रेंच। हम स्टार्ट करें अपना टॉपिक मैरियाना ट्रेंच के बारे में। तो मैरियाना ट्रेंच विश्व की सबसे बड़ी खाई है जो समुद्र के तलहटी के अंदर है। ये ट्रेंच, इसके बारे में दुनिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहती है हमेशा, और इसका कई अटेम्प्ट किए गए हैं कि ये गहरे कितनी है। अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चल पाया, बट हाँ एक एग्जैक्ट फिगर निकल के सामने आया है, जो लगभग पहला अटेम्प्ट किया गया था 1960 में बाय यूएस के द्वारा। यूएस ने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, यूएस नेवी के डॉन वेल्श और वहाँ के स्विस इंजीनियर आपके जैक पिकार्ड ने ये फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। इन्होंने एक वेसल डेवलप किया था जिस वेसल का नाम है आपका, इस वेसल का नाम है बैटिस्कैप ट्रस्टे वेसल। बैटिस्कैप ट्रस्टे वेसल इस वेसल का नाम है, और इस वेसल जो थी वो स्विस इंजीनियर थी और आपके इटालियन डिजाइन थी, मतलब कहा जाए ये स्विस डिजाइन थी और सॉरी इसको कहा जाए ये स्विस इंजीनियर थी और इटालियन डिजाइन मॉडल थी। इन सब के बाद इसी के जरिए फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया। इसके पहले भी कई अटेम्प्ट चलते रहे। इसके पहले अटेम्प्ट में देखा गया कि जो ट्रेंच है उसकी गहराई एग्जैक्ट कितनी है। कई वीडियो कैम्प्स डाले गए, कई अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर से इसको बार बार ऑब्जर्व किया, और फाइनली एक अटेम्प्ट 1953 में ऑन फर्स्ट फेदर एक्सपीडिशन लॉन्च ही हो गया। और इस एक्सपीडिशन के लॉन्च होने के बाद अटेम्प्ट चालू हो गए कि आपका मैरियाना ट्रेंच कैसा है, कितना गहरे में है। ये मैरियाना ट्रेंच आपका होता है लगभग 200 किलोमीटर दूर है आपके वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, जो आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर है उसमें लगभग 200 किलोमीटर दूर है ये आपका मैरियाना ट्रेंच। ये लगभग आपके ईस्टर्न साइड ऑफ मैरियाना आइलैंड्स के आसपास सिचुएटेड होता है। इस मैरियाना आइलैंड्स के आसपास जो सबसे गहरी खाई है समुद्र के अंदर वो मैरियाना ट्रेंच ही है। अगर इस मैरियाना ट्रेंच पे अगर हम माउंट एवरेस्ट को भी पुट अप कर दें तो लगभग इससे भी 2000, लगभग एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 2000 मीटर्स के और ऊपर तक स्टिल जो आपका जो ओशन लेवल है वो भी वहां पर पहुंचेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका जो खाई है वो कितनी गहरी है। इसमें क्या ऐसे क्रिएचर्स है जहां सनलाइट नहीं पहुंच सकती। इसके अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर हमें अपने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसको मेजर करें उससे लगभग 1071 गुना ज्यादा है। अगर एक 1071 गुना को हम मेजर करें, जो आपके प्रेशर को मेजर करने के बार्स में होता है, दैट इज 1086 बार्स और लगभग 15,750 PSI होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना ज्यादा यहाँ पर प्रेशर होता है। तो वेसल्स जब यहाँ पर डाइव करके तो उनके ऊपर इमेंस प्रेशर होता है इस चीज को फेस करने का। तो बहुत मजबूत वेसल्स वहाँ चाहिए होती है जो इतनी गहराई में उतरे और ज्यादा एक्सपेडिशन को कर पाए। अगर आगे इस टॉपिक पे बात करें तो इसमें ये लगभग आपका एक्चुअल जो इसके डेप्थ निकल के आई है, जो गहराई निकल के आई है, वो लगभग 11,034 मीटर के आसपास ये गहराई निकल के आई है, जो लगभग 36,201 फीट के आसपास है। अगर इसको बोला जाए ये लगभग 7 माइल्स के आसपास का डिस्टेंस होता है। अगर मैरियाना ट्रेंच तो सबसे गहरी में भी सबसे गहरा जो पॉइंट आपको मिलेगा वो है चैलेंजर डीप। इस चैलेंजर डीप के नाम से ही कई एक्सपीडिशन किए गए। इसमें दो एक्सपीडिशन किए गए, उनका नाम ही रखा गया चैलेंजर 1 और चैलेंजर 2 के नाम से। चैलेंजर 1 में भी एक अटेम्प्ट किया गया। फर्स्ट अटेम्प्ट जब इसको अटेम्प्ट किया गया जो ट्रस्टेड वेसल के जरिए, तो इसमें जो डेप्थ वहां तक अचीव किया वो था लगभग आपका 10,916 मीटर्स के आसपास यहाँ पर डाइव किया गया। यहाँ पर पहुंचने पर अजीब से क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। उन क्रिएचर्स को अगर एक नाम लो, एक है आपके एंगलर फिश जिसको सी डेविल के नाम से भी जाना जाता है, और सी कुकुम्बर होता है जो ओशंस में आपको दिखते हैं, ये उस लेवल उस गहराई में भी मिलते हैं। हर्मिट क्रैब्स की कुछ यहाँ पर स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी, और बायोलुमिनेसेंट करने वाली जेलीफिश जो अंधेरे में ग्लो करती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो कई सारी यहाँ पर चीजें जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप किलोमीटर्स में इसको जानना चाहें तो लगभग ये 2,500 दैट इज 2,550 किलोमीटर के आसपास मिलती है, और इस मैरियाना ट्रेंच की जो चौड़ाई है वो अराउंड 69 किलोमीटर विथ डीप होती है। तो ये सब इंफॉर्मेशन है जो रिगार्डिंग मैरियाना ट्रेंच में होती है, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा गहरी खाई है आप इसको कह सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप कमेंट करके बताइए।